अप्रैल में भूमि पुत्र मंगल मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका असर सभी राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका इस समय किस्मत चमक सकती है। साथ ही इन राशियों को धन संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ होगा। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो यह भूमि पुत्र मंगल जो है 18 महीने के बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और तीन राशि के जातकों को यह राशि परिवर्तन जो है लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनमें है सबसे पहले मिथुन। मिथुन राशि के लिए यह राशि परिवर्तन जो है लाभकारी होगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन इनको प्राप्त होगा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो खेल, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को जबरदस्त लाभ और उन्नति की प्राप्ति होने जा रही है। कर्क राशि से नवम भाव में यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो जो कर्क राशि के जातक हैं इनके भी रुके हुए कार्य बनेंगे, नवीन कार्य की इनको प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक कार्य में ये सम्मिलित हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में सफलता की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी और शासकीय योजना से शासकीय कार्यों से इनको लाभ प्राप्त होगा। और जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल का ही मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है, तो निश्चित ही वृश्चिक राशि के लिए भी यह राशि परिवर्तन लाभकारी होता दिखाई दे रहा है। एक तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, राजसत्ता के साथ इनका संपर्क बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होने जा रही है।